सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ के एक दिव्य शिवलिंग की कथा को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे क्या है इस शिवलिंग के पीछे की अद्भुत और हैरान कर देने वाली कथा। कहा जाता है कि 80 वर्ष में केवल एक बार ही दिखता है ये दिव्य शिवलिंग। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी इस कथा की ओर। कर्नाटक में मौजूद इस जगह को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मनुष्य नहीं बल्कि देवता से लेकर नाग, पिशाच और गंधर्व तक महादेव की पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनका हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही महत्व है। ऐसी ही एक जगह है कर्नाटक में भी है, जो गोकर्ण के नाम से लोकप्रिय है। भगवान शिव से जुड़ाव के कारण ये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। परंपरा के अनुसार यहाँ शिव के आत्मलिंग का वास है। यह जगह सात मुक्ति क्षेत्रों में से एक है। गोकर्ण का अर्थ है गाय के कान। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी लोग, चाहे वो नाग हों, देवता हों, गंधर्व हों, सभी महादेव की पूजा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव यहाँ गाय के कान से प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम गोकर्ण पड़ा। इस स्थान का आकार भी गाय के कान के समान ही है। गोकर्ण में मौजूद शिवलिंग का भक्तों के लिए खास महत्व है। इसका दर्शन जनता हर 80 साल में केवल एक बार ही कर सकती है। महापूजा के बाद इस आत्मलिंग को फिर से पृथ्वी माँ में प्रवेश करा दिया जाता है। इस शिवलिंग का अगला दर्शन 2040 में होगा। ऐसे में अगर आप उस समय इस शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको आगे आने वाले 80 वर्ष तक इंतजार करना होगा। इस आत्मलिंग को महाबलेश्वर और मृग श्रृंगा लिंग रत्न भी कहा जाता है। आत्मलिंग को सिरे तथा चांदी की भूमिगत तिजोरी में दबाया गया है। ऊपर का केवल बहुत छोटा सा सिरा ही कवर नहीं किया गया है, हालांकि वह भी पवित्र पानी और दूध के मिश्रण में डूबा हुआ है। भक्तगण इस मिश्रण में हाथ डालकर लिंग को महसूस कर सकते हैं। इस शिवलिंग का सिरा कॉर्क स्क्रू की तरह है। ऐसा इसलिए कि लंका के राजा रावण ने आत्मलिंग को पृथ्वी से तब उखाड़ने का प्रयास किया था। इसे यहाँ स्वयं महागणपति द्वारा स्थापित किया गया। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार रावण ने एक बार शिव को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली थी। उसने उन्हें प्रसन्न भी कर लिया था। भोलेनाथ ने फिर आत्मलिंग रावण को दिया और शर्त भी रख दी थी कि एक बार जहाँ शिवलिंग को धरती पर रख दिया गया, तो फिर इसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। एक खास बात यह भी थी कि शिवलिंग का वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल रावण उसे लेकर चला, तभी विष्णु जी ने शाम के धुंधले वातावरण को उत्पन्न कर दिया। रावण ब्राह्मण था और इसलिए उसे संध्या वंदन के लिए रुकना ही पड़ा। रावण कोई ऐसी जगह खोजने लगा जहाँ शिवलिंग को रखा जा सके और उसका धरती से स्पर्श भी ना हो। इतने में चरवाहे के भेष में गणेश जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने रावण की पूज्य अर्चना को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग को पकड़ने की बात कही। उन्होंने साथ ही कहा, अगर वह शिवलिंग को पकड़े रहने में असमर्थ हुए, तो केवल 3 बार रावण को पुकारेंगे और शिवलिंग को जमीन पर रख देंगे। इस तरह आत्मलिंग गोकर्ण में रह गया। भगवान शिव से विशेष जुड़ाव के ही कारण इस जगह को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर आराधना करने से ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा मिल जाता है। शिव पुराण के अनुसार समस्त तीर्थों की यात्रा के बाद भी जब इक्ष्वाकु वंश के राजा मित्रसह
कि ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं हुआ तो गौतम मुनि के आदेश से उन्हें इसी स्थान पर आकर पूजा अर्चना व साधना करनी पड़ी, तभी उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह भगवान भोलेनाथ का यह आत्मलिंग बाकी सभी से दिव्य और चमत्कारी है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई आज की ये कथा व रोचक जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा व रोचक जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।